बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। ये जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी बिल्ले के लिए एक दुल्हन का इंतज़ाम किया और सैटरडे वाले दिन हम इसे परचेज़ करके लाए थे। सैटरडे वाले दिन ही हमने इसका वेट डॉक्टर से चेकअप भी करवा लिया था, इसकी नेल कटिंग और कानों की सफाई वगैरह और डीवार्मिंग वहाँ से करवा के लेके आए थे। तो फिर ये चूँकि हमने इसे को पेट स्टोर से ख़रीदा था, पेट स्टोर में आपको जैसे पता है मुख्तलिफ किस्म के पेट्स होते हैं, तो बड़ी स्मेल इसकी जिस्म से महसूस हो रही थी, तो जिसको दूर करने के लिए आज हमने इसको बाथ दिया है। तो ये भी एक टिप है कि पर्शियन कैट को अगर आप अडाप्ट करें या ले कर आएँ तो इसको फ़ौरन ना नहलाएँ, बल्कि कुछ दिन के इंतज़ार के बाद इसको नहलाएँ। आज हमने इसको बाथ दिया है और चूँकि हल्की हल्की सर्दी के मौसम का आगाज़ हो गया है तो हमने हल्के नीम गर्म पानी से इनको नहलाया और अच्छी तरह इसके बालों में शैम्पू किया है, फिर एक सूती कपड़े में इसको लपेटा है। उसके बाद चूँकि इसको ठंड ना लग जाए और फिर हमने इसको एक ऊनी जो है हमारी चादर है केस, उसमें इसको लपेट दिया अच्छी तरह से। लपेटने के बाद इसको सोफ़े पर लेटा दिया ताकि ये इसके जिस्म हीट में रहे और खुश्क हो जाए। अब जनाब हमारे बिल्ले की बारी आ गई है, अब उसको भी हल्के गर्म पानी से हम नहला रहे हैं ताकि ये दोनों साफ़ सुथरे हो जाएं और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो मेरा बिल्ला तो माशाल्लाह पहले ही बहुत साफ़ सुथरा है, हेल्दी है और बाकायदा इसका वेट डॉक्टर से चेकअप होता रहता है। घर में भी इसको बहुत लाड़ प्यार और केयर मिलती है, तो हर लिहाज से माशाल्लाह इसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो इसको भी नहलाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए बिल्ली के साथ इसको बात दिया। मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नहलाने का मतलब इसका भी मुकम्मल हो गया है, इसको भी हम इसी तरह से गर्म चादर में लपेट के सोफे पे उसके साथ ही अपनी बिल्ली के साथ ही इसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब इनका जिस्म जो ही ज़ायद पानी खुश्क होगा फौरन हम इसको करेंगे। ये देखें जी, दोनों का दीदार करें, दूल्हा और दुल्हन का, और देखें माशाल्लाह दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा बिल्ला बहुत अकेला था और बड़ी तन्हाई फील करता था, इसलिए मैंने इसके लिए कैट का इंतज़ाम किया। अब जी हम इसको ड्रायर करेंगे गर्म हवा से, एक तो सर्दी का ख़दशा भी नहीं रहेगा और दूसरा इनको जिस्म को गर्माइश मिलेगी और बाल भी इनके जल्दी खुश्क हो जाएंगे। तो हमने इनकी अच्छी तरह से ये फिर ड्रायर मशीन से बालों को ड्राई किया है। नहाने के बाद देखें जी माशाल्लाह दोनों कितने खूबसूरत साफ़ सुथरे और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अल्लाह इनकी जोड़ी को सलामत रखे, आप सब भी दुआ करें।